हेलो चेस लवर्स, वेलकम टू स्टार चेस एकेडमी। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था इस टॉपिक पर, डबल पॉन्स क्या होती है। तो इन जनरल फिर से एक बार मैं समझा देता हूं अच्छे से आपको। डेफिनेशन से समझते हैं डबल पॉन्स। इन चेस डबल पॉन्स आर टू पॉन्स ऑफ द सेम कलर रिसाइडिंग ऑन द सेम फाइल। सबसे इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। डबल पॉन्स मतलब दो पॉन, दो पैदल, एक ही फाइल में एक ही कलर की दो पैदल का होना डबल पॉन कहलाता है। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश में डेफिनेशन अगर समझाऊं मैं आपको, टू पॉन्स ऑन द सेम फाइल वन बिहाइंड द अदर, एक पॉन के पीछे दूसरी पॉन का होना डबल पॉन्स कहलाता है। अब कंफ्यूजन यहां पर स्टूडेंट्स को यह हो रहा है कि सर एक ही फाइल में ब्लैक की भी पॉन है और व्हाइट की भी पॉन है, तो क्या डबल पॉन्स होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने यहां पर स्ट्रिक्टली आपको बताया है ऑफ द सेम कलर। सेम कलर का मतलब एक ही कलर की दो पैदल का होना एक ही फाइल में। तो ये देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, ब्लैक कलर की दो पॉन्स से एक ही फाइल में, इसको कहेंगे डबल पॉन्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू पॉन्स ऑन द सेम फाइल, टू पॉन्स ऑन द सेम फाइल, सेम फाइल पर, एक ही फाइल पर टू पॉन्स है, यहां पर थ्री है, तो इसको ट्रिपल पॉन भी बोलेंगे, डबल पॉन का भी एग्जाम्पल है। और यहां पर एक ही फाइल में एक ही कलर की व्हाइट की दो पॉन्स हैं, तो इसको कहेंगे डबल्ड पॉन्स। इस टाइप का जो पॉन स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे डबल्ड पॉन्स। इस डायग्राम की बात करते हैं, इसमें सी फाइल में टू पॉन्स हैं, सी फाइल में टू पॉन्स है व्हाइट की, तो इसको कहेंगे डबल्ड पॉन्स। ये पॉन स्ट्रक्चर व्हाइट के लिए हो गया डबल्ड पॉन्स। इस डायग्राम में ई फाइल में जैसे आपको दिख रही है तीन पॉन, पर एक ही कलर की दो पॉन कौन सी है? वेरी गुड, ब्लैक कलर की दो पॉन्स है, वन एंड वन टू। तो इस टाइप की भी जो पॉन्स होगी उसको क्या कहेंगे? डबल पॉन्स। फिर से इस डायग्राम में समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इस फाइल में टोटल कितनी पॉन्स है? थ्री। पर हमारा क्या कंसेप्ट है? एक ही कलर की पॉन्स होना चाहिए, ब्लैक कलर की एक ही फाइल में दो पॉन्स हैं, तो ये भी डबल पॉन्स कहलाएगी। ठीक है,